हेलो गाइस, PSG गेमर यूट्यूब चैनल का और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और गाइस, आज मैं आप सभी लोगों का कमेंट देख रहा था, तभी गाइस देखा एक सब्सक्राइबर ने इन्फिनिक्स का एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन का गेमिंग टेस्ट ले आने के लिए बहुत ज्यादा कमेंट किया है। सो गाइस, कमेंट को सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर गाइस देख सकते हो फ्रीजियन FF का कॉमेंट है, इन्फिनिक्स 05G का FF टेस्ट लेकर आओ। और गाइस, आप सब लोग कमेंट कर गए और मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर नहीं आऊंगा, ये तो गाइस नहीं हो सकता है। इसलिए गाइस आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन का एक बहुत ही बढ़िया फ्री फायर गेमिंग टेस्ट, उसके साथ ही एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो को लेकर। और गाइस, मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ। सो गाइस, आप लोगों की जो फर्ज है ना, इस वीडियो को एक लाइक करना और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, अपने भाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइस, अभी इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो देख लेते हैं। और गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मेरे हाथ में इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन का बॉक्स। और गाइस, बॉक्स देखने में बहुत ही बढ़िया है और बॉक्स का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले सील को ब्रेक कर लिया। सील को ब्रेक करने के बाद बॉक्स को ओपन करते हैं। और गाइस, बॉक्स को ओपन करने के बाद देख सकते हो सबसे ऊपर है हमारा डिवाइस इन्फिनिक्स 05G। और गाइस, देख सकते हो बॉक्स का क्वालिटी कितना बढ़िया है, लेदर फिनिश जैसा फिनिश दिया गया है यहाँ पर। और सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर स्मार्टफोन को साइड में रख दिया। स्मार्टफोन को साइड में रखने के बाद बॉक्स के अंदर गाइस देख सकते हो एक 33 वाट का फास्ट एडाप्टर है, उसके साथ ही एक Type-A to Type-C डाटा केबल देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ गाइस यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा बॉक्स के अंदर बहुत सारे चीज दिया गया है। सो गाइस, बॉक्स से इसको बाहर निकल लिया। अभी गाइस देख सकते हो यहाँ पर है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब गाइस लाभ लेटर और वारंटी कार्ड। उसके बाद गाइस यहाँ पर है एक प्लास्टिक का स्क्रीन प्रोटेक्शन। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो एक सिम इजेक्टर पिन है और एक एक्स क्लब का मेंबरशिप कार्ड है, जो है गाइस $1 का कार्ड, जो गाइस बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसके साथ गाइस एक रैपर के अंदर यहाँ पर देख सकते हो एक सॉफ्ट सिलिकॉन का TPU केस दिया गया, जिसके पीछे गाइस 5G का लोगो देख सकते हो। और गाइस क्वालिटी गाइस बहुत ही बढ़िया है इस TPU केस का। और यहाँ पर देख सकते हो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिला है, फ़ोन के साथ बहुत ही बढ़िया फिट हो रहा है। सो गाइस, ये था एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो। अब गाइस एक धमाकेदार फ्री फायर गेमिंग टेस्ट को भी देख लेते हैं। लेकिन गाइस, गेमिंग टेस्ट को देखने से पहले अभी तक अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। उसके साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे मेरा हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चलेगा तुम्हारे पास। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस, हमारा फ्री फायर मैक्स गेम हो गया है इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले गाइस सेंसिटिविटी देखा जाते हो। यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद सेंसिटिविटी देख सकते हो, पूरा सेंसिटिविटी डिफॉल्ट पर है। लेकिन गाइस, मैं मेरे हिसाब से सेंसिटिविटी को चूज कर लेता हूँ, जहाँ पर जिनर को 100 कर दिया, रेड डॉट 2 स्कोप 4 स्कोप जो भी है उसको डिफॉल्ट पर ही छोड़ दिया। और आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप आपके फोन के ऊपर रेड डॉट और जनरल सेंसिटिविटी कितना परसेंट। उसके बाद गाइस डिस्प्ले के ऊपर गया और यहाँ पर देख सकते हो ग्राफिक्स सेटिंग्स है। सो गाइस, आप चारों ग्राफिक्स पर इस गेम को खेल सकते हो, जहाँ पर है गाइस सबसे पहले स्मूथ, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा और मैक्स। सो गाइस, ये स्मार्टफोन एक बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है, इसलिए मैं मैक्स सेटिंग्स पर खेलूंगा। उसके साथ हाई डेस को हाई कर दिया, शैडो को ऑन कर दिया, कलर फिल्टर को विविड करने के बाद जो IFPS का ऑप्शन मिलता है उसको हाई करके एक क्लैश को रैंक मैच खेलते हैं। और गाइस देखते हैं कितना अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है, वो भी मैक्स सेटिंग्स के ऊपर इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन के मदद से। और ये स्मार्टफोन गाइस 2 महीना पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन गाइस मेरे पास इस स्मार्टफोन का कोई भी यूनिट नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। और कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक यूनिट आया है इन्फिनिक्स 05G का। सो गाइस, उस स्मार्टफोन से ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो गाइस देखते हैं, फोन तो बहुत तगड़ा वाला स्मार्टफोन है 20,000 प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है गाइस। सो गाइस देखते हैं इस स्मार्टफोन के मदद से कितना अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। और फर्स्ट राउंड क्लैश स्क्वाड रैंक मैच का स्टार्ट हो गया। मेरे हाथ में M500 पिस्तौल। अभी गाइस देखते हैं M500 पिस्तौल की मदद से मैं कितने सारे बंदों को यहाँ पर वन टाइम हेडशॉट मार सकता हूँ। और गाइस फोन का सेंसिटिविटी तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहा है पहले राउंड के अंदर। सो मेरे हिसाब से वन टाइम हेडशॉट भी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस देख सकते हो मेरा क्लोज रेंज पे अचानक एक बंदा आ गया और इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से 238 का वन टाइम हेडशॉट मार दिया। उसके साथ और एक बंदा भी आ गया है, इसके पास गाइस G18 है और मेरे को कितना ज्यादा फेल रहा है गाइस देख सकते हो। मेरा हेल्थ का तो पूरा बड़ा बजा दिया है, मेरे को नॉक कर दिया गया लगता है। लेकिन गाइस नहीं, नॉक नहीं कर पाया मेरे को। अभी गाइस मेरे को तो भागना पड़ेगा, लेकिन कब तक भागूंगा यार, जहां पर भी जाऊंगा ये बंदा गाइस पीछे पीछे आ रहा है देख सकते हो। सो गाइस मेरे पास अगर EP होता तो HP पर कन्वर्ट हो जाता है के मदद से, लेकिन गाइस मेरे पर EP भी नहीं है और मेरा हेल्थ देख सकते हो कितना जल्दी से ड्रेन हो रहा है इस बंदे के वजह से। सो गाइस अगर बच गया ना इस बंदे के तो सीधा ऊपर भेजना ही पड़ेगा। सो अभी भागते हैं, भागने का अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास।
सो गाइस अभी भागते हैं, कितना दूर जाते हैं देखते, और पीछे से और एक बंदा मार रहा है, भागो यार भागो। मैं यहाँ पर गाइस एक मेडिकेट लगा लेता हूँ, बहुत दूर आ गया बंदे से, वो बंदे तो मेरे को गाइस ढूंढ ही नहीं पाया लास्ट में। सो गाइस यहाँ पर दो मेडिकेट मार लिया और ईपी भी थोड़ा सा आ गया है, अभी गाइस देखते हैं अगर बंदा सामने आ गया तो मार दूंगा। यार सामने आ गया ये बंदा, और ओ भाई साहब क्या ही हेडशॉट मार दिया, 247 का वन टैप। अभी गाइस मेरे पास एक भी मेडिकेट नहीं है, सो गाइस एक मेडिकेट लूट लेना पड़ेगा। ओ भाई मेडिकेट लूटने आया था लेकिन पीछे से मार दिया, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं तो कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन गाइस दो वन टैप बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैं मार दिया M500 पिस्तौल के मदद से। और गाइस फोन का सेंसिटिविटी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिला है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, उसके साथ ही 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस सेंसिटिविटी तो नेक्स्ट लेवल का है, बहुत ही गजब का सेंसिटिविटी देखने के लिए मिलता है। इसके वजह से गाइस यहाँ पर मैं दो बंदे को बहुत बढ़िया तरीके से वन टैप मार दिया था, लेकिन पहला राउंड हम हार गए। सो गाइस देखते हैं अभी सेकेंड राउंड, और पूरा गेम प्ले तो बाकी है। सो पूरा गेम प्ले के अंदर कितने सारे बंदों को वन टैप हेडशॉट या नॉर्मल ड्रैग हेडशॉट में मार सकते हो, ये भी देखने की चीज़ है। सो गाइस आप सब लोग वीडियो को एंड तक देखते रहो, और गाइस इस स्मार्टफोन का सेंसिटिविटी इतना बढ़िया है कि हेडशॉट तो लग ही जाएगा। सो गाइस आप हेडशॉट को गूंथते रहो, तब तक मैं इस स्मार्टफोन का जो ओवरऑल हाईलाइटिंग स्पेसिफिकेशन है वो सारे स्पेसिफिकेशन का डिटेल्स आप सभी लोगों को एक बार बता देता हूँ। और गाइस आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, मैं कोई भी स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन बोलने से पहले उस स्मार्टफोन का प्रोसेसर को देख लेता हूँ, क्योंकि गाइस गेमिंग के लिए या डे टू डे मल्टीटास्किंग के लिए प्रोसेसर अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और इसके लिए गाइस आपको Infinix 05G स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा MediaTek की तरफ से डायमंड सिटी 900 5G चिपसेट, और ये गाइस एक ऑक्टाकोर 64 बिट का चिपसेट है जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। सो गाइस क्लॉक स्पीड के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही तगड़ा वाला स्मार्टफोन है। उसके साथ गाइस इस स्मार्टफोन के ऊपर जो डुअल सिम सपोर्ट है, डुअल सिम सपोर्ट के अंदर आपको 5G का सपोर्ट देने के लिए मिल जाता है, मतलब गाइस डुअल सिम डुअल 5G का सपोर्ट इस स्मार्टफोन के अंदर है। उसके साथ गाइस 13 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। सो गाइस बोल सकते हो नेक्स्ट लेवल 5G एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस स्मार्टफोन के ऊपर। क्लॉक स्पीड के बाद गाइस इस चिपसेट का एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की बात कर तो Infinix 05G स्मार्टफोन के अंदर डायमंड सिटी 900 चिपसेट का जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर निकल कर आता है वो है गाइस 4,75,000 के ऊपर। सो गाइस सोच सकते हो 4,75,000 एंटीटू बेंचमार्क स्कोर, मतलब गाइस ये प्रोसेसर कितना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है गेमिंग के मामले में। बेंचमार्क स्कोर के बाद अब गाइस इस चिपसेट का फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करें तो आप सभी लोगों को तो पता ही होगा फैब्रिकेशन प्रोसेस, मतलब गाइस कोई भी चिपसेट का नैनोमीटर साइज जितना कम होगा वो चिपसेट उतना ही पावर एफिशिएंस होगा, बैटरी एफिशिएंस होगा, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी तगड़ा वाला देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके मामले में गाइस ये प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, कि गाइस इस चिपसेट के अंदर आपको जो फैब्रिकेशन प्रोसेस मिल जाए वो है गाइस सिर्फ 6 नैनोमीटर। इसके वजह से गाइस गेम खेलने के टाइम ये स्मार्टफोन उतना ज़्यादा हीट नहीं होगा, उसके साथ बैटरी एफिशिएंस भी होगा, और इस स्मार्टफोन के मदद से गेमिंग एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल का देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन तो मैं आप सभी लोगों को डिटेल्स में बता दिया, आप गाइस इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। Infinix 05G स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 6.78 इंच का फुल HD प्लस LCD LTPS ऑन सेल डिस्प्ले, और यह डिस्प्ले गाइस एक बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले, लेकिन गाइस यहाँ पर अगर AMOLED डिस्प्ले देता तो और भी ज्यादा बेहतर होता। उसके बाद भी गाइस मेरे को इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले लेकर कोई भी ज्यादा शिकायत नहीं है, क्योंकि गाइस अभी यह स्मार्टफोन आपको 18,000 प्राइस रेंज के अंदर मिल जाएगा, और 18,000 प्राइस रेंज के हिसाब से डायमंड सिटी 900 चिपसेट कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड नहीं दे रहा है। सो गाइस प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर तो तगड़ा वाला है, इसीलिए गाइस अगर डिस्प्ले के ऊपर यह कंपनी थोड़ा सा कट आउट करेगा तो भी गाइस ठीक ठाक बोल सकते हैं। लेकिन गाइस गेम खेलने के लिए इस डिस्प्ले के ऊपर बहुत ही बढ़िया फीचर्स मिल जाएगा, क्योंकि गाइस गेम खेलने के लिए इस डिस्प्ले के ऊपर दिया गया है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, उसके साथ गाइस जो टच सैम्पलिंग रेट है वो है गाइस 240 हर्ट्ज। सो गाइस सोच सकते हो ये डिस्प्ले कितना ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले। उसके साथ गाइस इस डिस्प्ले का ब्राइटनेस है 500 nits और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 92%। सो गाइस इस स्मार्टफोन के ऊपर आपको बहुत ही कम बेजल्स देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो गाइस 92% के ऊपर है। सो गाइस डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन के बाद आप देखते हैं इस स्मार्टफोन का रैम और रोम वेरिएंट। Infinix 05G स्मार्टफोन के अंदर आपको एक ही रैम और रोम वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर गाइस है 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट, जिसका गाइस अभी प्राइस है 17,999 रुपीज। सो गाइस अभी के लिए आपको 18,000 प्राइस रेंज के अंदर यह स्मार्टफोन मिल रहा है, हालांकि यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 2 महीने पहले 20,000 रुपीज के अंदर, लेकिन अभी गाइस इस स्मार्टफोन का प्राइस 2,000 कट करके हो गया है 18,000 रुपया। सो गाइस 18,000 प्राइस रेंज के हिसाब से 8GB रैम 120GB स्टोरेज, उसके साथ डायमंड सिटी 900 चिपसेट
और क्या चाहिए गाइस। लेकिन अभी गाइस और भी तगड़ा वाला फीचर्स देखना बाकी है, और उन सारे फीचर्स को देखने के बाद आप सब लोग बोलोगे मैं 18,000 प्राइस रेंज के हिसाब से गेमिंग के लिए सिर्फ इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन को ही खरीदूंगा। क्योंकि गाइस इस स्मार्टफोन का जो रैम और रोम वेरिएंट है, इस रैम और रोम वेरिएंट के अंदर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा, और जो गाइस रैम सपोर्ट है वो गाइस LPDDR5 का रैम। और गाइस ये दो फीचर्स इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन को 18,000 प्राइस रेंज के अंदर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्मार्टफोन बना है। रैम और रोम वेरिएंट के बाद आप गाइस देखते हैं इस स्मार्टफोन का बैटरी और चार्जिंग स्पेस। इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 5000mAh का लिथियम आयन पॉलीमर मैसिव बैटरी, और इस मैसिव बैटरी को चार्ज करने के लिए बॉक्स के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक 33W का फास्ट चार्जर, और इस चार्जर की मदद से आप 5000mAh बैटरी को 1 से 1.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हो। बैटरी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन के बाद आप देखते हैं स्मार्टफोन का स्पीकर स्पेसिफिकेशन। इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, और इस डुअल स्टीरियो स्पीकर के अंदर सराउंड साउंड सिस्टम का सपोर्ट के लिए मिल जाता है। सो गाइस ये स्पीकर बहुत ही ज्यादा लाउड और क्लियर साउंड आपको निकल कर देगा। सो गाइस स्पीकर स्पेसिफिकेशन के बाद आप देखते हैं गाइस इस स्मार्टफोन का कैमरा स्पेसिफिकेशन। इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन का रियर साइड के ऊपर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर मेन सेंसर है 48MP का, उसके साथ ही 13MP पोर्ट्रेट लेंस और 2MP बोके सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है, और रियर कैमरा पर आप 2x ऑप्टिकल जूम और 30x डिजिटल जूम कर सकते हैं। उसके साथ गाइस इस स्मार्टफोन का जो फ्रंट कैमरा है वो है 16MP का एक फ्रंट शूटिंग सेंसर, और इस फ्रंट शूटिंग सेंसर के अंदर आपको डुअल LED फ्लैश का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, जो गाइस एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। और गाइस रियर और फ्रंट दोनों कैमरे के अंदर आपको 4K 30fps के ऊपर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ इस स्मार्टफोन का ऊपर आपको प्रॉक्सिमिटी जायरोस्कोप जैसे बहुत सारे खटर-मटर चटर-पटर सेंसर का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, और गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है, और इस स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस है XOS 10 बेस्ड ऑन Android 11। सो गाइस ये था इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फोन बहुत ही जबरदस्त फोन है, जिसके वजह से गाइस यहां पर देख सकते हो बुया हो गए, और मैं ही यहां पर MBB मार दिया 9 किल के साथ। अभी गाइस इस स्मार्टफोन का हीटिंग और लैगिंग इसकी बात करते हैं, इस स्मार्टफोन के ऊपर मेजर हीटिंग इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ मैक्स सेटिंग्स पर थोड़ा सा भी लैग देखने के लिए नहीं मिलता है। सो गाइस अगर आप मेरे बात मानोगे तो गेमिंग के लिए 18,000 प्राइस रेंज के अंदर इससे ज्यादा तगड़ा वाला स्मार्टफोन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो गाइस गेमिंग के लिए आप ये स्मार्टफोन आंख बंद करके भी ले सकते हो। और गाइस आज के वीडियो पर इतना ही, मुलाकात होगा और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।